हेलो, ये मैं अरुण पवार। आज आपको दिखाने वाला हूँ कि टाटा अल्ट्रोज में जो इतनी बड़ी चाबी मिलती है, इसमें फीचर आखिर हैं क्या क्या। तो सबसे पहले मैं आपको चार बटन्स के बारे में बताऊँ, तो एक तो है लॉक, फिर दूसरा अनलॉक, यहाँ से लाइट और ये बूट। सबसे पहले अगर आप देखो, बहुत बार होता है कि अपने जो बड़े मॉल्स होते हैं उनमें आप गाड़ी को पार्क करके चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ होती हैं तो आपको पता नहीं लगता। इसमें फ़ीचर दिया गया फॉलो मी हेडलैम्प्स का, इसको आप दबा के रखते हैं तो आपके देखो प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स हैं ये जल जाते हैं, और ये लाइट आपकी जल जाती है चाबी से ही, जब तक जलती रहेंगी, जब तक आप इसको दोबारा बंद नहीं करोगे, मतलब जब तक चाबी आपको नहीं मिल जाती, उसको दबाओगे तो आपकी जो हेडलैम्प्स है वो बंद हो जाते हैं। सेकेंड फीचर की हम बात करते हैं तो लॉक या अनलॉक तो आप कर ही सकते हैं। एक फ़ीचर और मैं बताता हूँ कि जैसे ही आप इन दोनों बटन्स को लॉक या अनलॉक को करते हो, जैसे आपको चलो दिन में तो आप लाइट जला नहीं सकते पार्किंग एरिया में ढूंढने के लिए, तो आप दोनों बटन को दबाओगे तो आपकी जो ये है जलने लग जाती है। तो आपको जब ये लॉक कर दोगे, आप अनलॉक कर दोगे, तब आपकी जो ये साउंड है बंद हो जाती है, और ऐसी जो इसका हॉर्न है ऐसे कुछ आवाज़ करने लग जाते हैं। तो ये इसकी की का एक फ़ीचर हो गया, एक यूनिक फ़ीचर मैं आपको बताऊँगा आगे। एक और चीज़, इस गाड़ी में जैसे चाबी ये हमने इसमें रख दी और हमने इसका ये इंफोटेनमेंट या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं ऑन कर दिया, और जैसे हम इसको चाबी को दूर लेके चले जाते हैं ऐसे करके, तो ये देख सकते हैं आप ऐसे आवाज़ करने लग जाती है। तो जो प्रॉब्लम होती है ना कि आपकी कीलेस एंट्री में वो दिक्कत होती है कि कोई लेके चला जाए तो गाड़ी बंद होने के बाद फिर स्टार्ट नहीं होगी, तो ये आपको जाने ही नहीं देती, मतलब चाबी को बाहर जाने ही देती, एकदम ऐसे आवाज़ करने लग जाता है इसका हॉर्न। तो वो एक काफ़ी बढ़िया फीचर लगा। बाकी गाड़ी में क्या होता है कि अंदर ही आपको टू 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 आवाज़ सुनने को मिलती है, जो कि इसकी टाटा की अल्ट्रोज में एक बढ़िया फीचर दे रखा है, आपको ऐसी आवाज़ें मिल जाती हैं सुनने के लिए इसकी। तो एक और चीज़ मैं इस गाड़ी की के बारे में आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बूट का है, तो जैसे गाड़ी लॉक है तो आप इसको अगर प्रेस करके रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी बूट खुल जाती है। जैसे गाड़ी लॉक है ना, तो आपको डोर नहीं खोलने, केवल बूट खोलना है, तो तब आप इसको दबाएंगे और आपकी ये जो है बूट अनलॉक इस तरीके से खुल जाता है। तो ऐसे नहीं कि अपने आप खुल जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम नहीं है, बस आपके ये है कि आप अगर डोर नहीं खोलना चाहते और केवल बूट खोलना चाहते हैं तो वो आप इस बटन से डायरेक्टली कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं डोर्स अपने खोलें। एक जो वियरेबल की का इसमें फीचर आता है वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि वो कैसा है। तो वियरेबल की जो मैं बात बता रहा था वो कुछ ऐसी मिलती है आपको, ये देख सकते हैं हम, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्मार्ट वॉच पहनी हो आपने, MI वगैरह की जो आती हैं ऐसा करके। तो इसको क्या सिंपल आप हाथ में पहन लीजिए और आप इसको गाड़ी में बिना इसके एक्सेस कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल इसमें ये लटकी हुई है, दोनों हैं, तो आप ऐसे करके इसमें अपना एंट्री ले सकते हैं और ऐसे ही वो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सही फीचर है। अब इसमें ना टाटा को अगर टाइम भी डाल देते, टाइम दिया है तो फिर बढ़िया रहता, लोग जो वॉच पहनते हैं उनको पहननी पड़ेगी ना, तो बहुत सही काम करते हैं, चाबी के लिए भी सेम चाबी और मतलब खोलने के लिए भी सेम चाबी, और टाइम देखना हो तो उसके लिए भी वॉच की तरह काम करेगी। तो ये थे की के कुछ फीचर्स, और जो इसकी मेन की है वो तो आपने देख ही ली कैसी आती है, और ऐसी कुछ आती है बिल्कुल स्मार्ट वॉच की तरह, अल्ट्रोज की स्मार्ट वेरिएबल की। तो ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।